दोस्तों बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसी, शायद इसीलिए ये बाइक रोड से ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करती हैं। पर इसके एड्स भले ही टीवी पर हमने ज़्यादा ना देखे हों, लेकिन इस बाइक की ताकत से कोई भी अनजान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की, जिसके ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। और इस ब्रांड की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रॉयल एनफील्ड के कस्टमर इतने ब्रांड लॉयल होते हैं कि इसकी नई बाइक के लिए वे कई महीनों तक वेट कर सकते हैं। और दोस्तों, रॉयल एनफील्ड को एक इंडियन ब्रांड के तौर पर माना जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत करीब 125 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। और फिर आगे चलकर यह भारतीय ब्रांड कैसे बना, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलिए दोस्तों, लोगों के दिलों पर राज करने वाली इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की शुरुआत अल्बर्ट एडी और RW स्पीक ने साल 1892 में की। उस समय कंपनी का नाम एडिंग मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड था, जो कि रॉयल स्मॉल ऑल फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी। और फिर आगे चलकर 1896 में एडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंतर्गत एक और कंपनी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी। ये कंपनी मुख्य रूप से साइकिल्स और उसके पार्ट्स बनाने का काम करती थी। कुछ सालों बाद कंपनी ने कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया और फिर 1899 में उन्होंने चार पहियों वाली एक साइकिल बनाई। और फिर ठीक दो साल बाद 1901 में उसी साइकिल पर इंजन जोड़कर एनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसमें उन्होंने मैनीरिया नाम की कंपनी का इंजन यूज किया था। और फिर 1903 में एनफील्ड कंपनी ने कार बनाने में अपना कदम बढ़ा लिया। हालांकि इस बिजनेस से उन्हें अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद 1907 में अपनी कार बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने में एकाग्रता के साथ एनफील्ड को एक बड़ी सफलता 1914 में मिली, जब पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैन्य डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। और फिर रशियन गवर्नमेंट ने भी इन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला लिया। यहीं से एनफील्ड की मोटरसाइकिल काफ़ी प्रसिद्ध होने लगी। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटी ने एनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स को बड़े स्तर पर यूज किया गया। इंडिया में रॉयल एनफील्ड को 1949 में लाया गया, हालांकि लोगों ने इसे 1954 में पसंद करना शुरू किया, जब भारतीय सरकार ने पुलिस और आर्मी के लिए इस बाइक का यूज किया गया। उस समय 350 सीसी मॉडल की 800 मोटरसाइकिल्स इंग्लैंड से भारत मंगाई थी। 1955 में एनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की और इस तरह रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। मद्रास मोटर्स ने पहली बार 350 सीसी मॉडल की रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल भारत में बेची, जिसके पार्ट्स वे इंग्लैंड से मंगवाते थे। और फिर 1962 में मोटरसाइकिल्स के सभी पार्ट्स इंडिया में ही बनने लगे और आगे चलकर एनफील्ड इंग्लैंड को जबरदस्त घाटा हुआ, इसीलिए 1971 में वो कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन भारत में मोटरसाइकिल्स का प्रोडक्शन जारी रखा गया। हालांकि भारत में भी इस कंपनी को घाटा हो रहा था, लेकिन कंपनी आगे चलकर आईएचएस मोटर्स लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई। और फिर आईएचएस ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ ने साल 2000 में नए डिजाइन और मार्केटिंग के दम पर फिर से इस मोटरसाइकिल्स की सेल बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से इस बाइक के डिजाइन में परिवर्तन किया। आज के समय एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे 50 से ज़्यादा देशों में बेची जाती हैं। 2013 में रॉयल एनफील्ड के कुल 81,446 मोटरसाइकिल्स बिकी, तो वहीं 2014 में 51% ग्रोथ के साथ कुल 1,23,018 मोटरसाइकिल्स बेची गई। और हाल ही में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सीसी और क्लासिक 500 सीसी की बाइक्स लॉन्च की गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रॉयल एनफील्ड की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी इस कंपनी की बाइक लेने की सोच रहे हैं या फिर पहले से हैं, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे ऐसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।